पर जब से शादी हुई जब से रंग मेरा बिल्कुल काला पड़ गया। मेरे को ये घरवाली मेरे को मारने के चांस है साहब। मेरी बेनती है पूरी गवर्नमेंट सरकार के आगे जी, मेरा इनसे पीछा छड़ाया जाए। कभी जिंदगी में मेरे को एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा इसके साथ में। मैं मेरी जनानी से बहुत परेशान हूँ जी साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास गांव दड़बी के अंदर। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक नाथ है जिसका नाम सुरजा नाथ है। वो एक पत्नी पीड़ित है, 2010 में उसकी शादी की जाती है। 2010 में शादी होने के बाद में यह इतने परेशान है और बार बार लोगों से गुहार लगा रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई तो मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, मुझे तंग करती है, टॉर्चर करती है और मेरे हाथ में आप गुच्छा देख रहे हैं। वो इनकी पत्नी का दिया हुआ वो है जो महिला थाना और अलग अलग चौकियों में इनके खिलाफ शिकायतें लगाई गई है। यह व्यक्ति बहुत परेशान है, दिन रात परेशान रहता है और कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से बचाएं। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम जी सुरजा नाथ। हाँ जी जी, मेरा 2010 में शादी हुई थी। उसके बाद में एक लड़की के बाद में कोई भी दिन ऐसा नहीं जो मैं सुकून रहा। कभी दो दिन के अंदर दरख्वास्त लगा देना, कभी तीन दिन के अंदर दरख्वास्त लगा देना, कभी रात को गुंडे बुला के मेरे साथ मारपीट करना, कभी कहीं मारपीट, कभी शहर में मारपीट कराना। बस ऐसा ही इसका काम चल रहा है 2010 से लेके 2021 तक साहब। मैं इतना परेशान हो चुका इससे कि मैं कहीं भी जाता मेरे को नाक दिखाने की जगह नहीं है। हर आदमी मेरे को कहता है कि तेरी घरवाली ऐसी है या वैसी है। मेरी प्रार्थना है सभी के वासियों से कि मेरा इससे चाहे तो खेड़ा छुटाया जाए, चाहे इसे ढंग में लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका जी इससे। कभी मेरे भाइयों के खिलाफ दरख्वास्त लगाना, कभी पड़ोसियों को। शादी नहीं होती और आपकी शादी होगी और आप परेशान हो। हाँ जी परेशान। शादी हमने तो सोचा कि शादी में बहुत खुशी होगी, पर जब से शादी हुई जब से रंग मेरा बिल्कुल काला पड़ गया। ठीक है कि नहीं? इसलिए गोरा था। हाँ जी, पहले बहुत अच्छा था। मेरी बचपन की फ़ोटो देखना, बहुत अच्छी थी मेरी। जब से जैसे औरत को ले कर आए जब से मेरे को परेशान ही परेशान। मैं परेशान, मेरे पड़ोसी ताऊ काके चाचे ताए सब परेशान हो गए जी। हमारी तो प्रार्थना यही है पूरी गवर्नमेंट सरकार के आगे भी कि मेरी बेनती सुनी जाए साहब जी। मेरे को ये घरवाली मेरे को मारने के चांस है। हर बार को कभी अजनबी आदमियों के साथ आ जाना, रात को 12-12 बजे आके हमला कर देना, अटैक कर देना। हमारे भाइयों को फटड़ कर दिया कईयों ने। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले अटैक पूरी रात को आके जी पूरे घर परिवार को जी मार पीट के चले गए। उसके बाद में मेरी घरवाली मेरे खिलाफ़ दरख्वास्त लगाती है। ये तो कहना चाहते खिलाफ दरखास्त क्यों लगाती है, क्यों लड़ाई करती है? ये पता नहीं साहब उसके दिमाग में क्या है जी। ठीक है, एक उसका पिताजी और एक वो हर बारी मेरे पे के और नाथों पे भी केस कर के कभी किसी से पैसे भरा लेने, कभी किसी से कुछ ही कर लेना, कभी कुछ ही कर लेना। उनका पैसा ही यही चल रहा है साहब। मेरी बेनती है पूरी गवर्नमेंट सरकार के आगे जी, मेरा इनसे पीछा छड़ाया जाए। बहुत मैं परेशान। ये गुच्छा, ये शिकायतों का गुच्छा, ये कभी तो मैला थाना, कभी डेंग थाना, कभी सिरसा थाना, कभी एलनावाय थाना, कोई भी थाना ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ। हर थाने में, हर जगह में, कोर्ट में, हर जगह मेरे को पचा दिया जी। कभी जिंदगी में मेरे को एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा इसके साथ में। मेरी गुजारिश है साहब के आगे कि मेरी सुनाई सुनाई जाए। शादी से पहले आप खुश थे? बिल्कुल खुश थे साहब। उस टाइम में मेरे को कोई परेशानी थी, मैं अच्छी पढ़ाई करता था, अच्छा उठता बैठता था, लोगों के साथ चंगा उठना बैठना था। जब से शादी हुई जब से मेरे को परेशानी देने लगी, हर आदमी मेरा मुंह मोड़ने लग गया। मैं बहुत परेशान है। ये देखिए आप कितने ये लिखे पड़े, सब पंचायतों के सब जिम्मेदारों के इसमें राजीनामे। अब फिर उन्होंने दरख्वास्त घर पर अटैक करा देना, फिर उसके बाद दरख्वास्त हमारे पे लगा देनी जी। हमारी गुजारिश है कि हमारा चाहे इससे पीछा छुड़ाया जाए, चाहे इनको होश में ले आया जाए। मैं मेरी जनानी से बहुत परेशान हूँ जी साहब। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, दड़बी गांव के रहने वाले सुरजा नाथ जो अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि शादी से पहले ये बिल्कुल गोरे थे और अब ये काले हो चुके हैं। शादी से पहले ये बिल्कुल खुश थे, अब बिल्कुल निराश हो चुके हैं। सभी साथियों से गुजारिश है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाया जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।